ABPS न्यूज। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जनपद एटा के ब्लॉक मरहरा के ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने प्रधानों से संगठित होने का आह्वान किया और बताया कि यदि हम संगठित नहीं हुए सरकारी तंत्र हम प्रधान साथियों का उत्पीड़न करेगा। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने कहा कि हमारे सामने सबसे ज्यादा समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम लोग अपनी ताकत को नहीं जानते हैं बल्कि दूसरे राजनेता हमारी ताकत को जानते हैं जिससे वो हमारा इस्तेमाल केवल प्राइवेट एजेंसी के रूप में करते हैं। प्रधानों को मुख्यमंत्री जैसा अधिकार मिल चुका है लेकिन हम आपसे एकता में नहीं है इसलिए हम सरकारी तंत्र के आगे जमकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उन्होंने प्रधानों को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत कर प्रत्येक माह के अंत में होने वाली मीटिंग में उपस्थित होने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में विकास खंड अधिकारी देव कुमार, अमर सिंह ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान गुड्डी चौहान, नारायण सिंह चौहान, सुधा चौहान, खेम करण, शारदा देवी, परवेश कुमारी, मिथिलेश बाबूराम, सीमा देवी, पुष्पा देवी, नारायण देवी के साथ दर्जनों प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आप लोगों को लेकिन ढाई साल से आप लोग टहल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग के जा रहे हैं, आपको पता नहीं लेकिन आप भाग रहे हैं। संवैधानिक अधिकार पाने के लिए शिक्षा मित्रों ने सालों साल संघर्ष किया, 400-500 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, रोजगार सेवक है आपके, गोरखपुर बलिया आजमगढ़ पूर्वांचल होते हैं सिद्धार्थ वो सोनभद्र चंदौली गाजीपुर मऊ बलिया आजमगढ़ होकर के भदोही होकर के ये इलाहाबाद औसांगी प्रतापगढ़ जौनपुर सुल्तानपुर होकर के चित्रकूट बांदा महोबा होकर के उधर से घूमते हुए 20 अक्टूबर 2016 को लक्ष्मण को कृति देने का अधिकार मिला था जब आप प्रधान हुए थे। कार्यों की 50,000 से 2,50,000 तक स्वीकृति देने का अधिकार एडीओ पंचायत साहब को, 2,50,000 से 5,00,000 तक डीपीआरओ साहब को और 5,00,000 से 10,00,000 तक डीएम साहब को स्वीकृति देने का अधिकार मिला। वही व्यवस्था विधानसभा की है, वही व्यवस्था गांव सभा की है।